हेलो दोस्तों, नमस्कार है, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मैजिकल व्हील्स के। मेरा नाम है सागर। सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये खड़ा है जी बेलिनो खड़ा है। ये अल्फा वेरिएंट और ये है इसका ऑटोमेटिक AGS वेरिएंट जिसको कहते हैं। सामने देख सकते हैं वाइट कलर खड़ा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर एक शोरूम की बात की जाए तो 11,16,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। और ये कुछ इस तरीके की जो की है आपको देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं प्रीमियम टाइप की जो की है वो देखने को मिलती है। एक तरफ मिलती है सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का जो स्विचेस हैं वो देखने को मिलता है। तो ये हो चुकी है इसकी अनलॉक की साउंड, ये हो गई लॉक की साउंड। तो ये कुछ प्रीमियम आपको यहाँ पे फील आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट फेशिया आप चेकआउट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमियम है वो देखने को मिलता है। ये गाड़ी में आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, तो ये चीज़ भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी आपको मिलती है। फ्रंट फेशिया आप चेकआउट कर रहे हैं तो पुरानी वाली बेलिनो से अब वाली बेलिनो में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। फ्रंट में ही कम्प्लीट आपको चेंज देखने को मिलता है, ग्रिल वगैरह चेंज कर दी गई है, शार्प एजेस वगैरह दे दिए गए हैं। पहले वाली जो आपकी बेलिनो आती थी वो थोड़ी राउंडेड टाइप की थी, अब वाली जो बेलिनो है वो आपको शार्प टाइप की मिल रही है। फ्रंट आप चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो ग्रिल है ये विंग्ड टाइप की ग्रिल देखने को मिलती है। बीच में मिल जाता है सुजुकी का लोगो एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कैमरा मिल रहा है। ये आपका 360 डिग्री का सेटअप के लिए है, ये कैमरा आगे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है क्रोम का जो है ट्रीटमेंट मिल जाता है, क्रोम की पट्टी आपको देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट लगेगी आपकी, नीचे आपका जो है रेडिएटर ग्रिल मिल रही है। बाकी बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, बट जो आपके टर्न इंडिकेटर हैं वो आपको हैलोजन के अंदर मिलते हैं। पहले यहाँ पे DRLs एकदम लंबे टाइप के DRLs की पट्टी आती थी, बट अब क्या हो गया ये तीन टाइप के जो है एरो टाइप के डिज़ाइन जो दिए गए हैं ये आपके DRLs मिलते हैं आपको। ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं, बट कहीं ना कहीं जो पहले वाले थे वो ज़्यादा अपीलिंग लगते थे। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्रोम की हाउसिंग मिलती है, नीचे आपको यहाँ पे आपको मिल रहे हैं आपके फॉग लैंप्स, यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो इसका फ्रंट लुक है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो चुका है पुराने के मुकाबले। गाइस अगर आप भी ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस टाइम हम कहाँ पे आए हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम रुद्रपुर में, आकांक्षा ऑटोमोबाइल करके शोरूम है। यहाँ पे आके अगर आप चाहते हैं कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी लेना तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा मैं, आप जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अब साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं तो सबसे पहला जो अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है वो इसके लगते हैं नए अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, अट्रैक्टिव है, अच्छा खासा जो डिज़ाइन है आपको देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो साइज़ आपको मिलता है 195/55R16 इंच के, काफ़ी अच्छे जो है साइज़ के आपको व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है 55R16 195, ये आपको जो है आप देख सकते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स स्टाइल में आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। आगे आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके का जो है आपको जो व्हील है वो देखने को मिलता है, अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी आप क्रीजेज वगैरह चेक कर सकते हैं, इस टाइम जो क्रीजेज हैं वो चीज़ें ऐड हुई हैं। पहले क्या होता था यहाँ पर थोड़ा सा राउंडेड टाइप का जो एजेस आते थे पुरानी बेलिनों में, बट इस बार क्रीजेज वगैरह बढ़ा दिए गए हैं। शोल्डर लाइन आप चेकआउट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही है। बाकी बात की जाए इसके ORVMs की तो यहाँ पे डुअल टाइप के और ORVMs मिलते हैं। ऊपर मिलता है आपको वाइट बॉडी कलर, नीचे मिल रहा है ब्लैक, और यहाँ पे मिलता है टर्न इंडिकेटर। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी जो है आपको कैमरा का सेटअप मिल जाता है। ये कैमरा का सेटअप आपका 360 डिग्री कैमरा के लिए है, तो यहाँ पे भी कैमरा मिलेगा, उस साइड भी आपको कैमरा मिलेगा, फ्रंट में भी कैमरा है, बैक पे भी कैमरा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो 360 का सेटअप है उसके लिए कैमरा दिए गए हैं। बाकी और आप देख सकते हैं इसका जो आपको ए पिलर है वो आपको ब्लैक डाउन मिलता है, थोड़ा सा मैट फिनिश के अंदर मिल रहा है आपको। यहाँ पे प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, कंपनी ने यहाँ पे आपको क्रोम की ये जो बिडिंग है वो दी गई है, इसकी वजह से प्रीमियम लगती है ये गाड़ी। सही मायने में गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। एंड यहाँ पे जो बी पिलर है वो भी ब्लैक्ड आउट है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका डोर हैंडल, इसके अंदर भी जो है आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मिल जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर, तो ये इस तरीके का आपको यहाँ पर डोर मिल रहा है। कुछ इस टाइप की जो है आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। रियर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है डोर हैंडल जो है क्रोम के मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको क्रोम की जो पट्टी है वो आपको देखने को मिलती है, अच्छी लगती है। आप अगर आपको किसी आप अगर इसका लोअर वेरिएंट लेते हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, अगर आप इस वेरिएंट में जाते हैं टॉप वेरिएंट में तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी अब आ जाते हैं इसके बैक प्रोफाइल पर, तो भैया बैक प्रोफाइल के अंदर बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर आपको सी शेप के आपको टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, LED के अंदर हैं। एक बार अच्छे का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इस टेल लैम्प की वजह से कहीं ना कहीं जो लुक है वो अनाउंस हो चुका है पुरानी वाली के मुकाबले। इस वाले का जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगता है। बाकी ये आपको पट्टी मिल जाती है क्रोम की, पहले भी आती थी अब भी आ रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इसकी वजह से। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है कैमरा, वॉशर मिलता है आपको, यहाँ पर डिफॉगर है, ये आपको वाइपर मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है, ये चीज़ थोड़ी सी कह सकते हैं अगर यहाँ पर शार्क फिन मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता।
स्पॉयलर मिल रहा है आपको हल्का सा, आप देख सकते हैं, बढ़िया लगता है इसकी वजह से। ओवरऑल पीछे का लुक बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे आपको बिलिनो की बैजिंग मिलती है कर्सिव के अंदर, बीच में मिल रहा है सुजुकी का लोगो, नीचे आपको 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑफर हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। जो वेरियंट है उसकी बैजिंग नहीं की गई है, तो ये चीज़ आप इसको पता नहीं कर सकते कौन सा वेरियंट है। कोई भी अगर वेरियंट आप लेते हैं तो कहीं भी आपको बैजिंग नहीं मिलती वेरियंट की। तो ये कुछ इस तरीके का रहा। यहाँ साइड में आपको मिल जाता है फ्यूल लिड, 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके का जो साइड लुक है वो आपको देखने को मिलता है। अब इंटीरियर में चल के आपको दिखा देते हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सीवीडी के अंदर आता है। अब अंदर का आपको दिखा देते हैं इसका पूरा का पूरा लुक। तो गाइज़ यहाँ पे जो इसका डोर ट्रिम है वो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। इसको एक बार कर लेते हैं बंद, आवाज़ कर रही है गाड़ी, की को रख देते हैं साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोन के अंदर आपको डोर ट्रिम देखने को मिलता है। ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर का जो है थीम देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सॉफ्ट टच पैडिंग है, लेदर राइड के अंदर दी गई है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे भी जो है लेदर राइड आपको फिनिश मिल रही है। तो ये चीज़ इसको क्या करते हैं, इसको बना देती है ज़्यादा प्रीमियम। पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल रही है, देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश है। ये सारे के सारे आपके ORVM आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। ये सारे के सारे आपको जो कंट्रोल्स हैं विंडोज़ के मिल जाते हैं। क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी किया गया है। हर चीज़ें बोल सकते हैं कि डिटेलिंग का जो है पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। नीचे आपको मिलता है वाटर बोतल का ऑप्शन, 1 लीटर की रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी का ऑप्शन नहीं मिलता। स्पीकर ग्रिल मिल रही है, ट्विटर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने को मिलता है। हाइट की बात की जाए तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। कुशनिंग वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है, लेदर सीट्स नहीं मिलती, नॉर्मल फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती है। बट इसका जो टेक्सचर है दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उससे डिफरेंट आ रहा है, कुशनिंग बढ़िया है। बाकी अगर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाता है सिल्वर फिनिश के अंदर, क्रोम की जो फिनिश है उसके अंदर मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है। ये जो व्यू है इससे क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री जो कैमरा है उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाता है आपको आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का यहाँ पे स्विच मिल रहा है। HUD ये है इसका हेड अप डिस्प्ले, वो भी चीज़ आपको दिखाएंगे। ये सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये लाइट का लेवलर है, यहाँ पे भी जो है आपको ब्लू जो है टोन दी गई है। यहाँ पे आपको मिलती है ब्लैक फिनिश, सिल्वर फिनिश ऊपर आपको देखने को मिलती है। ये आपके आगे AC वेंट्स, तो अंदर बैठ के आपको चेकआउट करते हैं। तो गाइस अंदर बैठ चुके हैं हम बलिनो के अंदर, एंड आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इम्प्रेशन आ रहा है वो आ रहा है बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस का। गाड़ी पुराने वाली बलिनो से ज़्यादा आप जो है प्रीमियम लगती है मुझे पर्सनली, ये मेरा सजेशन है। आप भी बताना आपको कैसी लगती है। आप देख सकते हैं आपको ट्राई कलर के अंदर आपको जो है डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्लैक, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिल रही है। सिल्वर ग्रे टाइप की फिनिश आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको ब्लू ट्रीटमेंट मिलता है। ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है। कूल्ड का ऑप्शन नहीं है, बट अच्छा खासा जो है आपको यहाँ का अंदर प्रीमियम लग रहा है। और अट्रैक्टिव पार्ट क्या हो चुका है, जो ये म्यूज़िक सिस्टम है ये पहले जो था वो इंटीग्रेटेड था, अब उसको उठा के बीच में कर दिया गया है, विच लुक्स वेरी गुड। ऑलमोस्ट 10 इंचेस के आसपास जो है आपको म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है। म्यूज़िक सिस्टम का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, कनेक्टेड फीचर्स के साथ आपको मिल जाती है। एंड टच रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं, ये सबसे पहले क्या होता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो साइड का जो सराउंड है वो आपको 360 डिग्री का व्यू दिखा देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मेरी सराउंडिंग वगैरह है वो चीज़ आपको दिखा रहा है। तो गाइस जो टच रिस्पॉन्स है वो आप चेकआउट कर रहे हैं, कितना ही जो स्मूथ टच आपको मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी हुई है। पुरानी वाली में अभी आता था वो भी अच्छा था, बट इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुका है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको जो है इसके साइड में देखने को मिल जाती है। ये उठा उठा सा जो यूनिट लग रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। आपको इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। एंड फ्यूचर में बोल रहे हैं कि जो अपग्रेड आएगा उसमें ये वायरलेस भी कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वेंट्स के साइड में जो है आपको सिल्वरिश फिनिश दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। प्रीमियमनेस जो है भर भर के इस गाड़ी के अंदर दी गई है। बाकी स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये देख सकते हैं फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है आपको। डी कट स्टाइल का स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पे भी आपको जो है सिल्वर एलिमेंट दिया गया है, ग्रे एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा जो प्रीमियम है इसको पकड़ के फील हो रहा है। यहाँ पर सारा का सारा जो है लेदर राइड आपको मिलता है, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील आपको मिल रहा है।
यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। सामने आपको मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि दो तरफ आपको मिल रहा है एनालॉग एंड बीच में जो है MID है वो आपकी मिल जाती है आपको डिजिटल, ये आप चेकआउट कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इस तरीके से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा देगा। तो गाइज़ अगर पहले तो हम गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट, तेल एक्चुअली इतना नहीं है बट इस अगर HUD को देखो मैं ऑन करता हूँ, इस बटन को अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ से जो हेड अप डिस्प्ले का जो है ये स्क्रीन ऊपर आ जाती है, इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है और इसके अंदर आपको जो है स्पीडोमीटर वगैरह दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है तो फ्यूल बहुत कम है गाड़ी में, तो इस तरीके का ये चीज़ आपको मिलती है। इसको अगर मैं फिर से थोड़ी देर प्रेस करता हूँ तो ये आपका बंद होके नीचे चला जाता है इस तरीके से, तो ये चीज़ एक अच्छा एलिमेंट ऐड किया गया है। IRVM आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये चीज़। और अगर सनशेड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, साथ में आपको जो है लाइट भी मिल जाती है वैनिटी मिरर के। यहाँ पे आपको जो लाइट्स है वो आपको हैलोजन देखने को मिलती है। यहाँ पे ऊपर आपको जो है स्पीकर की प्लेसमेंट है, वॉइस कमांड के लिए यहाँ पे आपको स्पीकर दिए गए हैं। को पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, एडजस्टेबल आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। तो गाइज़ अगर सीट्स की कुशनिंग वगैरह की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त कुशनिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे, फ्रंट की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है विच लुक्स वेरी गुड, अट्रैक्टिव लगता है बिकॉज साइड में प्यालूम ब्लैक फिनिश है तो अट्रैक्टिव लगता ही है। अब क्या होता है कि भैया जैसे बलिनो आ रही है, अब बलिनो के कंपैरेटिव आपको पता ही है जो प्रीमियम हैचबैक आती है i20, तो कहीं ना कहीं बलिनो को भी अब बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही है अब ये i20 को, और कहीं ना कहीं i20 से ज़्यादा प्रीमियम लग रही है अब। एंड यहाँ पे आप नीचे चेकआउट कर रहे हो, यहाँ पे आपको मिलता है USB का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे अगर ये वायरलेस चार्जिंग दे देते तो बढ़िया रहता बट यहाँ पे आप नॉर्मल अपना फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे दो वाटर बोतल का ऑप्शन है, ये आपका आ जाता है ऑटोमेटिक का ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका जो आप गियर लीवर आप चेकआउट कर रहे हैं ये देख सकते हैं रिवर्स न्यूट्रल, और यहाँ पे आप उसको मैनुअल ड्राइव इस तरीके से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल है, स्लाइड कर सकते हैं। अंदर आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल अच्छा खासा जो है आगे का जो प्रीमियमनेस है बढ़िया लग रही है। अब पीछे बैठ के चेकआउट कर लेते हैं कितना हमें स्पेस मिल जाता है। तो गाइस पीछे वाली डोर पे चल लेते हैं एंड पीछे की सीट भी जो है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर रहे हैं डुअल टोन में, यहाँ पे भी आपको जो है डोर देखने को मिलता है ब्लैक है। यहाँ पे आपको वही लेदर आई टाइप की पैडिंग देखने को मिल रही है, सॉफ्ट टच आपको पैडिंग मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं विंडो के, नीचे 1 लीटर का वाटर बोतल का ऑप्शन है, ये स्पीकर ग्रिल है। यहाँ पे आपको क्रोम का जो हैंडल है देखने को मिल जाता है। अब अंदर बैठ के चेकआउट करते हैं कितना स्पेस मिल रहा है। तो गाइस आगे वाली जो सीट थी मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी थी और आप चेकआउट कर सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मुझे मिल रहा है। एंड जो कुशनिंग है बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी अच्छी हो चुकी है पहले के कंपैरेटिव। अब जो है बलिनो की रियर जो कुशनिंग है बहुत बढ़िया है, पुराने वाली जो बलिनो थी मुझे कहीं ना कहीं उससे शिकायत रहती थी कि भैया जो उसकी कुशनिंग है पीछे वाली उतनी बढ़िया नहीं है और लॉन्ग जर्नीज़ में वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नहीं लगी, बट अब वाली जो बलिनो है इसकी कुशनिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसके लिए हैट्स ऑफ है मारुति को। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने अब यहाँ पे है रियर AC वेंट्स दे दिए गए हैं, बड़ी आपको टॉप ऑफ द वेरिएंट्स के अंदर ही मिलते हैं, आपको हर वेरिएंट्स में ये चीज़ ऑफर नहीं होती है कि स्पीड वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपको दो चार्जिंग के सॉकेट मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रहे हैं, नीचे आपको छोटी सी पॉकेट मिल जाती है। ओवरऑल अंदर की जो कुशनिंग है, अंदर का कंफर्ट है बढ़िया है, आराम से 3 एडल्ट्स बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलता है। बाकी हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, ये चीज़ अच्छी है। बीच में आर्मरेस्ट की कमी ज़रूर फील होगी, 60-40 का जो स्प्लिट है वो सीट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। ऊपर मिल जाते हैं आपको लाइट जो कि हैलोजन के अंदर है। अब रियर पे जो इसका बूट स्पेस है वो चेकआउट कर लेते हैं कितना स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो गाइस पीछे आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा जो है स्विच दिया जाता है जिसकी वजह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छा खासा अमाउंट ऑफ आपको जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता है। तो गाइस 318 लीटर का जो है आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। ये 60-40 का जो स्प्लिट है वो आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर लगेज ज़्यादा रखना है और आप पैसेंजर कम है तो आप उसको डाउन कर सकते हैं, आराम से आप जो है अपना स्पेस जो आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको जो है बूट लैंप भी देखने को मिलता है। ओवरऑल जो है लोडिंग लेग थोड़ा सा हाई कह सकते हैं ये चीज़ है, बट अंदर का जो स्पेस है सही मिल रहा है। नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील, तो इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी कम की गई है, ये 185/65 R15 है,
वहाँ पे आपको मिल जाता है 195/55 R16। तो यहाँ पे जो टायर है एक साइज़ डाउन भी किया गया है, कहीं ना कहीं जो प्रोफाइल है वो भी चेंज की गई है। ये मिल जाती है आपको पार्सल ट्रे, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है तो इसको कर देते हैं इस टाइम बंद। तो अब आपको जो इंजन बे है वो चेकआउट करा देते हैं इसका। तो यहाँ से करते हैं इंजन को लॉक, यहाँ से जो इंजन बे है उसको कर लेते हैं अनलॉक। तो गाइज इस टाइम जो है इसका जो आप देख सकते हैं बोनट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है पहले से, इंसुलेशन वगैरह अच्छी खासी की गई है। ये रहा इसका इंजन, ये K12 सीरीज़ का इंजन दिया गया है जो प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। CVT आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने दिखाया था ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, CVT के अंदर आता है। आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी अच्छी जो प्लेसमेंट है की गई है, कुछ इस तरीके का जो इंजन है वो आपको देखने को मिलता है अब। तो गाइज़ ये रहा कुछ इस तरीके का पूरा वॉक अराउंड दिखा दिया हमने आपको, प्लस जो है रिव्यू हमारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। एंड आई होप कि जो आपको हमारा रिव्यू है पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो करना क्या है, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।